तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। ताजन तो बारस खेले जा रहे हैं समुराई वेंजियन स्टोर। ये काफी ज्यादा मजेदार एक समुराई गेम है और लास्ट टाइम मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था, बट भाई इसका यहाँ पे डोजो चैलेंज बच गया था। तो मैं आज की वीडियो में डोजो चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूँ और देखने वाले कि डोजो चैलेंज में मेरे को क्या क्या चैलेंज मिलते हैं और क्या करने को मिलता है, क्योंकि मैं इसको अभी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे भाई अपनी फाइट होने वाली है रिंग के अंदर, ये कुछ नॉर्मल से प्लेयर आ चुके हैं जिनको मैं भाई काफी इजीली मार लेता हूँ। यहाँ पे ये अपने सामने उतनी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। अब इसको तो मैंने काफ़ी तगड़ी से एक स्ट्राइक मार दिया, देखना है एक कितनी ज़्यादा देर तक ये अपने से लड़ेंगे और कभी ये ख़त्म हो पाएंगे, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ को मारता हूँ फिर से कुछ आ जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ से रिस्पॉन हो जाते हैं भाई काफ़ी सारे। ये देखो इनको मारा मैंने और ये फिर से आ गए, अगर रेड वाले आ गए इस बार क्योंकि तो भाई रेड वाले की तो मैंने गर्दन ही उड़ा दी है। अब यार कितनी देर तक ये आएंगे, मुझे जल्दी से इनको ख़त्म करना है, डोजो चैलेंज को कंप्लीट करना है। पता नहीं कैसे हम डोजो चैलेंज को कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट जो भी है भाई ये आज की फाइनल वीडियो हो जाने वाली है समुराई वेंजियंस 2 की। इसके बाद भाई इसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं आएगी अपने चैनल पर, यही आज की फाइनल होने वाली है। और जिसको इससे पहले की वीडियो देखना है तो वो अपनी जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, आपको वहाँ पर स्टार्टिंग से सारी ही वीडियो मिल जाएगी। अगर फर्स्ट लेवल से 7 लेवल तक आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, इसमें पूरी 7 लेवल होती है, हमने सब कुछ कंप्लीट करी है, पूरी 7 स्टेज मैंने इसमें कंप्लीट कर रखी है। तो अभी मैंने एक चैलेंज को तो कंप्लीट कर लिया डोजो की, सेकेंड चैलेंज है और इसमें यही है कि प्लेयर से मुझे फाइट करनी है। यही चैलेंज इसका कि आपको प्लेयर से फाइट करनी है, सबको आपको बीट करना है, हराना है मुझे, सबको डिफीट करना है, मैं हरा देने वाला हूँ। क्योंकि भाई अपना समुराई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो मैंने बीच से ही फाड़ दिया, अभी बीच में से ही फाड़ दिया वो यहाँ पर रेड वाले को। और अभी ब्लू वाले की बारी है, ये ब्लू वाला काफ़ी ज़्यादा देर तक हमें सामने लग रहा है और यहाँ पर भाई एक पर्पल वाला भी है, कितने सारों को मारूंगा। पर्पल वाले सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ब्लू वाले तो फिर थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते भी, क्योंकि ये ब्लॉक कर लेते, देखो अपने मूव्स को, अपनी कटाना को ये ब्लॉक कर लेते हैं। पर मैं भाई लड़ूंगा इनसे, बहुत देर तक लड़ूंगा और जब तक भाई ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं लड़ूंगा इनसे। पर देखना है कि यार मेरी हेल्थ ना चली जाए, अगर हम ही नहीं रहे तो फिर भाई हम लड़ेंगे कैसे, अगर हमको जिंदा भी तो रहना है, अगर हमको इनसे लड़ना है तो हमें जिंदा रहना पड़ेगा तब तक के लिए। और अगर ये अपने को यहीं पर निपटा देने वाले तो फिर अपना तो काम तमाम हो जाने वाला है, बट भाई मैं रहूँगा बहुत देर तक। देखूँ ये वाला मूव मुझे सबसे अच्छा लगता है यार, XXX ओ दबा दो और इसके बाद भाई इनका काम तमाम, मतलब इनके बीच में ही मैं तलवार घुसाता हूँ बिल्कुल पेट में जाके। मैं कुछ न्यू मूव्स को भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि आपको देखने में मज़ा है, मुझे चलाने में मज़ा है, और न्यू मूव तो लगने के। देखो ये वाला मेरा फेवरेट है, मैं ओ दबाऊँगा तब देखना क्या होगा। ओ ये बीच में ही तलवार घुसा दी भाई मैंने, और काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है इसमें। जब हम कोई पावरफुल मूव मारते तो इसमें भाई स्लो मोशन में दिखाता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में देखो ऐसे, मतलब ये अपने को बताता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोई सा मूव मार दिया, वरना पता भी ना चले भाई, जल्दी जल्दी में पता ना चले। बट ये जो स्लो मोशन में दिखाता है ना, देखो ऐसे कैसा हमें कुदार भाई बीच में ही तलवार फंसा दी, कैसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है ना देखने में। ये कटाना भाई बहुत ज़्यादा मेरी पावरफुल है। तो ये स्टेज भी अपने क्लियर हो चुकी है, अभी बारी है नेक्स्ट वाले डोजो चैलेंज की। तो मैंने 2 चैलेंज को भी कंप्लीट कर दिया, थर्ड वाले की बारी है, अब मैं धीरे धीरे करके सारे को ही कंप्लीट कर दूंगा, देखना है अपने को कितने सारे आते हैं। अभी ये धनुष वाले आ चुके हैं, तो धीरे धीरे करके सारे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि अपने को मतलब स्टेज 1 से लेकर स्टेज 7 तक देखने को मिले हैं, वो सारे ही अपने सामने आ रहे हैं और मैं इनको बीच में से काट रहा हूँ, क्योंकि भाई ये कितनी देर तक अपने सामने टिक पाएंगे। देखो मैं 2 को काट दिया, तीसरे वाले की बारी है, कट गया नहीं भाई, ये तो नहीं कटता और ये तो ब्लॉक कर लेता है भाई, ब्लॉक वाले से बचकर रहना है मुझे हर बार, ये सबसे डेंजर ये ब्लॉक वाला, ये ब्लॉक करके भाई अपने ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है यहाँ पर तो मैंने दोनों को मार दिया, ये बहुत सारे हैं यार, अभी एक गया ठीक है, ये भी गया भाई, ये ब्लॉक करने वाला है, ये जो रेड कलर के इन्हें कपड़े पहन रखे ना, ये ब्लॉक भी कर लेते हैं अपने मूव्स को, इसको मैंने यहाँ पे निपटा दिया। अब ये धनुष वाले की बारी है, धनुष बाण वाले को तो मैं सबसे पहले निपटाता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, दूर से अपने को डैमेज दे देते, तो मैंने बीच में से ही काट दिया है भाई। यार इसका इफेक्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको पता ना कि आपको इसका इफेक्ट कैसा लगता है जो स्लो मोशन में सर काटता है, ऐसे काटा नहीं काटा मैंने स्लो मोशन में सर, और बीच में से ही फाड़ देता है देखो ऐसे, अब बताना आपको कैसा लगता है ये इफेक्ट। बाकी थोड़ा सा ख़राब भी लग सकता है देखने में, जिसको ब्लड वगैरह इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट वैसा तो ब्लड नहीं है यार, रियल तो है नहीं, ये आपको पता है कि गेम ही है, तो भाई इसमें अपने हिसाब से उन्होंने दे रखा है। तो ये वाली स्टेज भी अपनी क्लियर हो जाती है, अभी बारी है नेक्स्ट वाली स्टेज की, ठीक है जो कि स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने हाजिम क्यों लिखा था, हाजिम का मतलब स्टार्ट होता है क्या, हाजिम का किसको मतलब पता है, इस कमेंट में जरूर बताना अगर आपको पता हो तो। मुझे हाजिम का मतलब तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट शायद स्टार्ट ही होता होगा, क्योंकि भाई अपना नेक्स्ट राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एक तो अपन क्लियर कर लेते हैं स्टेज, और ये भाई उड़ रहा है अपनी रिंग ना हवा में उड़ रही है, आप देख सकते हो इसके पंख वगैरह लगे, विंग्स लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, और कुछ पंखे टाइप के भी लगे हैं। हाँ इसको मैंने बीच में से काट दिया है, मैं बीच ही में से काट रहा हूँ भाई, अभी मैं बीच में से ही काट रहा हूँ। यहाँ पे अपोनेंट दूसरे आ चुके हैं भाई, जो कि भाई दो तलवार से अपने से लड़ते हैं। चलो ये भी भाई काफ़ी गंदा मुझे मारेगी, अरे बच बच के मारूंगा मैं, बच बच के, इसका तो काम तमाम है, अभी 2 और बचे हैं ये इनको भी। अरे भाई ये यही है ना कि भाई ये चक्री टाइप के घूमने लगते हैं, जैसे ये हारने लगते हैं तो ये चक्री टाइप से घूमने लगते हैं, इनको पता चल जाता है कि भाई हम जीतने वाले तो हैं नहीं, तो चक्री जैसे घूम ही लेते हैं। भाई ब्लॉक कर दिया इसने मेरे वाले मुँह को अपनी कटाना से, एक तो इसके बाद 2 कटाना है मेरे पास, एक ही कटाना है, कितनी नाइंसाफ़ी है ना।
भाई अपने पास मूव्स काफी ज्यादा पावरफुल है, इनके पास इतने तगड़े तगड़े मूव्स नहीं है बट अपने पास काफी ज्यादा तगड़े तगड़े मूव्स है यहाँ पे। पर फिर भी मुझे बच बच के खेलना पड़ेगा यार, इनके पास दो दो कटाना है। पर फिर ये है भी तो दो, मैं अकेला हूँ। वहाँ पे एक और अपोनेंट आ चुके हैं अपने दो, और ये खत्म। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे धनुष बाण वाले को ही मारता हूँ, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। ये दूर से डैमेज देते हैं, और तो भाई अपने पास आके कटाने से अपने को मारेगी, इसे ये लड़की है तो ये कटाने से मारेगी। बट भाई ये धनुष बाण वाले अपने को दूर से निपटा देते हैं। ब्लॉक कर लिया भाई इसने, मेरा मुँह भी ब्लॉक कर लिया यहाँ पे। ठीक है धनुष बाण वाला ये, इसी को मारूंगा सबसे पहले मैं। देखो खत्म, ये वाला खत्म हो चुका है। अभी इसने फिर से ब्लॉक कर लिया मुझे, जैसे ही ये ब्लॉक करते हैं ना मुझे पीछे की तरफ हटना पड़ता है, वरना भाई ये अपना काम तमाम कर देते हैं। ये भी खत्म है। ओ ऑल राइट, इसके साथ पेट में ही फंसा दी मैंने यहाँ पे तलवार। तो ये स्टेज भी मुझे लगता है क्लियर हो जाने वाली है। हाँ अब आ रही है नेक्स्ट वाली स्टेज की। भाई मैंने अभी तक मुझे याद नहीं यार कितनी सारी स्टेज कंप्लीट कर ली, शायद 4 या 5 मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी बारी इसके आगे की। ठीक है इसको मैंने निपटा दिया यहाँ पे। और यार यहाँ पे ये दो दो आ रहे एक साथ, देखो ना कुछ कटा भाई, फोकट ही मूव दिखाया, कोई कटा वटा नहीं। मतलब मुझे दिखाया कि स्लो मोशन में मैंने मारा ये धनुष वाले। भाई ये वैसे तो धनुष वाले काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, बढ़िया दूर से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कमाल ले कर देते हैं। खत्म भाई, इसकी मुंडी अलग कर दी। इससे घर वालों को भाई मुंडी अपन भेंट में गिफ्ट कर देंगे उनको, मतलब उनको गिफ्ट कर देंगे इसकी मुंडी कि देखो भाई इसने हमसे पंगा लिया था, और हमसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। उनको तो बीच बीच में तलवार फंसा रहा हूँ। एक और ये देखो, तीन को एक साथ मैंने फंसाइए, तगड़ा लग रहा है ना ये वाला मूव। यार मुझे सबसे अच्छा लगता है एक्स जीरो वाला, कितनों को अपन एक साथ मार सकते हैं इसकी मदद से। और ये इस वाले की, ये भी गया बीच में से अलग, ये भी मर जाता ना जो गोल गोल घूम रहा था, ये क्यों बच गया, इसको वाला मूव लगा नहीं होगा। अभी दो दो की बारी है। ये यार मेरा फेवरेट है, आप बताना कमेंट आपको कैसा लगता है। तीन तीन चार चार को हम एक साथ मार सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फिर से देखो खत्म भाई, काफ़ी ज़्यादा डैमेज इनको देना पड़ता है भाई। इसको ये ब्लॉक भी नहीं कर पाते हैं, हर मूव को ब्लॉक कर लेते हैं, बट ये वाले मूव को ब्लॉक भी नहीं कर पाते हैं। मुंडी कट हो गई इसकी, इनको तो मैं नॉर्मली मारता हूँ यहाँ पे। फिर से मुझे वही वाला मूव लेना पड़ेगा अभी, XX0 वाला। अरे शिट भाई रुको, अरे मैं ओ से मार रहा हूँ, ओ से देख रहा हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे एक और मैंने मार दिया धनुष वाले। यार तू चले जा भाई, तू मेरे सामने नहीं टिकने वाला, तेरे को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ किसी को। भाई मैं बाद में लड़ू ना लड़ू, भाई इससे सबसे पहले मैं लड़ता हूँ धनुष वाले से, क्योंकि इसको मारना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, कि दूर से डैमेज देते हैं। और कोई इधर अपने क्लोज रेंज में आए बिना अपने को डैमेज नहीं दे पाएंगे, बट भाई दूर से भी अपना धनुष बाण बढ़िया चलाते रहते हैं, तो इनको मारना यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपना गेम चल ही रहा है। मैंने यहाँ पर दो को निपटा दिया है, और ये वाली स्टेज भी अपनी हो जाती है क्लियर। अभी बारी है नेक्स्ट वाले की। मैंने काफ़ी सारी स्टेज कंप्लीट कर ली है, बट डोजो जो तो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पे भाई एक और बॉस आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब इसको मारना उतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, क्योंकि इससे मैं पहले भी लड़ चुका हूँ। मैंने जितनी भी स्टेज कंप्लीट करी है मुझे ये सारे ही प्लेयर देखने को मिल चुके हैं। तो भाई यार ये डोजो जो तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इससे मुझे बच बच खेलना पड़ेगा। बट धनुष वाले भाई तू जान ले कि मुझे सबसे ज़्यादा दुश्मन तुझसे ही है भाई, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तू ही है, कि तुझे मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कोई को तो मैं काफ़ी इजीली मार सकता हूँ, बट तुझे मैं इतनी इजीली नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि भाई यार ये दूर से ना अपने को काफ़ी गंदा वाला डैमेज दे देता है। अगर मैं इससे क्लोज रेंज में नहीं लड़ूंगा ना, तो मैं दूर से इसको मार ही नहीं सकता हूँ। अगर ऐसा होता कि अपन स्टार वगैरह भी कुछ फेंक सकते तो भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती, बट ऐसा कुछ तो नहीं है। अब ये खत्म, बीच का तलवार ले, ऐसे ही मारूंगा भाई, ऐसे ही तो मुझे मारना है इनको ना भाई। ये अपने को शिट भाई, बीच वाला भी अपने को मार रहा है, तो इतना बड़ा सा ना ये भी अपने को मार रहा है। बट भाई तू भी गया, एक और बचा है, इसको मैं मार दूँ। अरे भाई मेरा मतलब यार एकदम से ना एम उसकी तरफ चले जाता है। चलो खत्म, अब बारी है इसकी, अब मैं बच बच के इसको मारूँगा। अरे फिर से आ गया भाई ये गोल वाला, मुझे लगा था वही फाइनल है भाई, इसके बाद ये नहीं आएंगे। बाकी इसके प्लेयर्स और आ चुके हैं, इसके बॉडीगार्ड जो कि नॉर्मली होने वाले हैं, इसके बॉडीगार्ड ही होंगे, बार बार आ जाते इसको बचाने के लिए। बट कब तक बचाएंगे भाई हमसे, कब तक इसको बचा पाएंगे ये। चलो अभी बारी है इसकी, जीरो, इसके बीच में भी तलवार घुस रही है। अभी बारी है इस वाले की, रुक जा भाई रुकने का। ओके ओ ओ ओ, वो वाला मूव मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो दबाते ही बीच में भाई तलवार जो घुसाता है ना भाई, एक ही बार ना हालत ख़राब हो जाती है। धनुष वाले फिर आ गए भाई, धनुष वाले तुमको तो पता है कि भाई किसी को मारूँ ना मारूँ तुमको ज़रूर मारूंगा मैं, इसलिए तुम ज़रा बच के आया करो मुझसे, और मुझसे डरो भाई, मुझसे डरा करो तुम धनुष वाले, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डेंजर बंदा हूँ ना, तुमको ही मारूंगा और किसी को मारूँ ना मारूँ तुमको ज़रूर मारूंगा, तो मुझे पता है कि इनसे सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। भाई इसकी बीच में तलवार घुसेगी ऐसे, अगर ऐसा होता ना कि मैं बड़े वाले के भी बीच में तलवार घोप पाता और एक नहीं भाई 3-4 लगातार, तो काफ़ी एकदम मज़ा आ जाता। बट ऐसा कुछ तो नहीं है भाई, उसको अपन तलवार नहीं घुसा सकते क्योंकि वो गिरता ही नहीं है। ख़त्म, अभी तो मुझे लगता है कि यही फाइनल है, मुझे इसको ही मारना पड़ेगा। अभी कोई नहीं आ रहा है, सारे ही बॉडी गार्ड इसके ख़त्म हो चुके, अभी अकेला ही बचा है और मुझे इससे बच बच के लड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसे डायरेक्ट लगता हूँ ना तो भाई काफ़ी गंदा से मुझे डैमेज दे देगा, और इसके मारने से मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा चली जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद देखो कैसा वेपन है,
दो तरफ इसकी ब्लेड है, ये गोल गोल घूमता है भाई, चक्री टाइप का। एक बार भी इसके लपेटे में आया ना तो मेरा काम तो वहीं तमाम हो जाएगा। बच बच के ही मुझे खेलना है, जैसे मैंने फाइनल बॉस को मारा था इस वाले गेम के, वैसे मुझे इसको बच बच के इससे खेलना है। और भाई यही होता है मेन, कि जब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ जाए ना, तो आप उससे बच बच के खेलो। अगर आप उससे फेस टू फेस लड़ोगे तो आपका हारना तय है, बट जब आप उससे बच बच के खेलोगे तो भाई आपका जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आ रही है भाई नेक्स्ट वाले डेजो चैलेंज की, मैंने उसको भी कंप्लीट कर दिया, उसको फाइनल बॉस को भी मार दिया है। बट भाई अब मैं परेशान होने लगा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा देर से खेल रहा हूँ, ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो ना, कब से मैं अपोनेंट को मारे जा रहा हूँ, बैटल पे बैटल हो रहा है अपना, मतलब कुछ अपने को स्टोरी लाइन भी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, बस मैं बैटल पे बैटल कर रहा हूँ। ऐसे गेम काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बट अभी भी दम है इसमें। आपको बता देना कि आपको ये गेम कैसा लगता है देखने में, बाकी दम तो है यार इस गेम में, बाकी काफ़ी ज़्यादा पुराना गेम है, इसलिए भाई इसको थोड़ा अपडेट वगैरह मिलता है, स्टोरी लाइन वगैरह ऐड होती, कुछ न्यू बॉसेस आते इसमें, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बढ़िया हो सकता था, और ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है भाई, क्योंकि गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी और इसमें इंप्रूवमेंट होना तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे एक और है, ये गोल गोल घूम रहा है भाई, फिर से वही वाला बॉस आ चुका है फाइनल में। अभी यार इसको तो मैंने अभी हराया, और कुछ नया आता तो फिर मज़ा भी आता, आपको दिखाने में मज़ा आता, तो मैं सोच रहा ना मैं डायरेक्टली लड़ लेता हूँ यार, जो होगा देखा जाएगा। चलो आ जाओ, अब भाई मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से दिमाग ख़राब हो गया है। चलो आ जाओ ना, तुम लड़ी लो मुझसे, अब एकदम ही लड़ लो भाई, एक करके सबको मारूंगा मैं। दो को भाई खट्टी काट दिया देखो, और भाई इसने गंदा सा डैमेज मुझे दे दिया, जो मैं बोल रहा था ना अगर ये गोल गोल घूमने वाले से डैमेज देगा। अब ख़त्म है भाई, इतने सारे धनुष वाले आ गए, फिर इनसे मुझे लड़ना और यही ख़त्म कर देंगे मुझे लग रहा है। बच बच के तो मैं खेल रहा हूँ भाई, मैंने अपनी पूरी कोशिश करा कि मैं जानबूझ के ना मरूँ, बट फिर भी यार ये मुझे मार ही देंगे, इनके सामने मैं नहीं टिकने वाला हूँ। बट देख रहा हूँ ना कितने सारे ये मार रहे हैं मुझे, ये चार है और बीच में इनका फाइनल बॉस भी, और मैं अकेला। तो यहाँ पर मैं आउट हो चुका हूँ, मैंने भाई काफ़ी सारी लेवल्स कंप्लीट करी, काफ़ी सारे डोजो चैलेंजेस को मैंने कंप्लीट किया, यहाँ पे मैंने फाइनल बॉस को भी मारा था, और फिर से वही वाला बॉस आ गया, इसलिए भाई मेरा थोड़ा सा मतलब मन भी ख़राब हो चुका था कि यार मैंने अभी अभी उसको हराया, फिर से वही वाला आ गया। तो ठीक है, आपको बताना कि वही वाला गेम कैसा लगा, और हमें और कौन कौन से न्यू गेम ट्राई करने चाहिए। तो अगर वीडियो में मजा तो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।